इन दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन योजना एवं कार्य को लेकर काफी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। आए दिन कोई न कोई नई योजना की शुरुआत के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहते हैं। बता दें कि चंपई सोरेन ने 1 जुलाई से मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत झारखंड की 25 से 50 वर्ष के बीच के सभी वर्ग समुदाय के गरीब महिलाओं को सरकार हर माह 1,000 देगी। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की पार्टी का निर्माणाधीन ऑफिस राज्य सरकार ने बुलडोजर से गिरा दिया है। शनिवार सुबह 5:30 बजे यह कार्रवाई आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने की। गुड्डूर के तड़ेपल्ली में यह ऑफिस 9,365 वर्ग फीट में बनाया जा रहा था। इस कार्रवाई की टाइमिंग की खूब चर्चा हो रही है। देश में आए दिन इतनी बार पेपर लीक के मामले आने लगे हैं कि केंद्र सरकार ने एंट्री पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस अधिसूचना के अनुसार पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की सजा और 10,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि इस कानून को लागू करने का मुख्य उद्देश्य परीक्षा में हो रही गड़बड़ी को रोकना है। इन दिनों भारत और श्रीलंका के बीच तनाव बढ़ गया है। वजह है महासागर में पानी के नीचे मौजूद पानसे निकितीन सीमाउंट। भारत इस पहाड़ पर उत्खनन का अधिकार हासिल करना चाहता है, लेकिन अभी तक भारत को कोई भी सफलता हासिल नहीं मिली है। बता दें कि जमैका स्थित इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने भारत के दावे को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस समुद्री इलाके पर एक और देश ने अपना दावा किया है। इस पहाड़ को हासिल करने के लिए भारत ने $5,00,000 फीसद के तौर पर खर्च भी किए थे। शिवराज सिंह चौहान के बाद उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान अपने जिले में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। कार्तिकेय सिंह चौहान का आभार सम्मेलन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि शिवराज के युवराज कह रहे हैं कि दिल्ली डर रही है, यह 100% सच है। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है और अब सियासी रंग में बदल रहा है। बता दें कि अब तक कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। इसी दौरान नीट यूजी की परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया था। इसको लेकर अब तक हंगामा जारी है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने नीट की परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। साथ ही हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा के मुख्यालय पर प्रदर्शन भी किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लोकपाल नियुक्त नहीं होने पर मध्य प्रदेश के 16 विश्वविद्यालय को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। इसमें कई सरकारी एवं कई निजी विश्वविद्यालय हैं। इनमें ग्वालियर के राजा मनमोहन संगीत एवं कला विद्यालय और राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विद्यालय, जबलपुर की मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय है। विक्रम विश्वविद्यालय के फार्मेसी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर अनीश शेख पर छात्रों द्वारा एक गंभीर आरोप लगाया गया है। आरोप है कि प्रोफेसर ने सोशल मीडिया ग्रुप पर छात्रों को नमाज पढ़ने और मुस्लिम बनने के फायदे बताए। प्रोफेसर पर हिंदू स्टूडेंट को टारगेट करने का भी आरोप लगा है। प्रोफेसर पर कार्रवाई को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विक्रम विश्वविद्यालय में हंगामा किया। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। हालांकि सोनाक्षी को अपने परिवार वालों को मनाने के लिए थोड़ा समय लग गया, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का धर्म अलग अलग है। शत्रुघ्न सिन्हा के समधी और सोनाक्षी सिन्हा के होने वाले ससुर इकबाल रतन सिंह ने एक्ट्रेस के हिंदू धर्म को छोड़ इस्लाम धर्म अपनाने वाली खबरों को चुप्पी तोड़ी है। इकबाल रतन सिंह ने इन खबरों को खारिज करते हुए कहा कि ये बात पक्की है कि वो अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर रही। दोनों का मिलन दिलों का मिलन है, इसमें धर्म की कोई भूमिका नहीं है। दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर जीत हासिल की। टी20 विश्व कप 2024 के सुपर 8 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने गजब का प्रदर्शन किया, जिससे इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले में हार गई। इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले को जीत सकती थी, लेकिन आखिरी 3 ओवरों में उसका पूरा खेल बिगड़ गया। इस दौरान दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्को जानेसन, कसीगो रवाडा और नारकिया अहम साबित हुए। नारकिया ने आखिरी ओवर में महज 6 रन दिए थे। इस ओवर में एक विकेट भी लिया। बिहार के समस्तीपुर में एक ट्रेन के ड्राइवर की बहादुरी के कारण कई यात्रियों की जान बच गई है। इस ड्राइवर की सोशल मीडिया में काफी तारीफ हो रही है। इस ड्राइवर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिसने भी यह वीडियो देखा वह उस चालक की जमकर तारीफ कर रहा है। दरअसल समस्तीपुर रेल मंडल के
वाल्मीकि नगर और पानीयावा स्टेशन के बीच बने पुल संख्या 382 पर अचानक लोको इंजन के अनलोडर वॉल्व से एयर प्रेशर लीकेज हो गया था, जिस कारण बीच पुल पर ट्रेन रुक गई थी। इसके बाद लोको पायलट और सहायक लोको पायलट ने साहस दिखाते हुए जान जोखिम में डालकर पुल पर ट्रेन के नीचे रेंगते हुए इंजन में हो रहे लीकेज को ठीक किया। वेस्ट इंडीज के यूएसए को T20 विश्व कप 2024 के सुपर 8 मुकाबले में करारी हार दी है। यूएसए ने पहले बैटिंग करते हुए 129 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में वेस्ट इंडीज ने शाई होप की विस्फोटक बैटिंग के दम पर 10.5 ओवरों में मैच जीत लिया। बता दें कि होप ने 39 गेंदों में नाबाद 82 रन बनाए। निकोलस पूरन ने भी दमदार प्रदर्शन किया। इससे पहले बॉलिंग में रोस्टन चेंज और आंद्रे रसेल ने कमाल दिखाया था। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में सीएनजी की कीमतों में इजाफा हो गया है। सीएनजी यानी कॉन्फ्रेंस नेचुरल गैस की अग्रणी कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने शनिवार को सीएनजी की कीमतों में 1 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी। इससे पहले कंपनी ने 7 मार्च को सीएनजी के दाम में गिरावट की गई, तब से लेकर अब तक सीएनजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। सीएनजी की कीमतों में इजाफा होने से आम आदमी की जेब पर इसका असर पड़ेगा। महाराष्ट्र के बीड जिले के लातूर और अहमदनगर अहमदपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओबीसी समाज के लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग ओबीसी कोटे से मराठा आरक्षण देने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसे लेकर AIMIM के चीफ और हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक टी20 विश्व कप 2024 सुपर 8 में लगातार धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे हैं। डिकॉक ने सुपर 8 के अपने दूसरे मैच में दूसरी अर्धशतक पूरी की। इससे उन्होंने मैच को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ महज 22 गेंद में 50 रन बना दिया और 65 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने इस पारी में 38 गेंदों पर 4 चौके और 4 छक्के जड़े। इससे पहले सुपर 8 के पहले मैच में डिकॉक ने अमेरिका के खिलाफ 40 गेंदों पर 70 रन ठोके थे।